दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि पॉलीक्रिस्टल और मोनोक्रिस्टल दोनों पैनल में क्या अंतर होता है और हमें कौन सा सोलर पैनल लगाना चाहिए दोस्तों आपको एक और चीज मैं बताऊं कि हमारे जो सोलर पैनल आते हैं वो तीन तरीके के आते हैं हमारे जो अधिकतर जो बिकते हैं वो तो हमारे दो ही बिकते हैं एक तो मोनो बिकता है और एक सेकंड जो बिकता है वो पोली बिकता है ठीक है ये दो तरीके के आपने मार्केट में सुना होगा पर दोस्तों एक और थर्ड टाइप का जो सोलर पैनल आता है वो आता है दोस्तों थीन फिल्म सोलर पैनल ठीक है ये भी आपको पता होना चाहिए तो दोस्तों मार्केट में जो ज़्यादा चलन में जो एफिशेंट जो सोलर पैनल है वो यही दोनों है आखिर मोनो और पोली तो अब हमको इन दोनों में से कौन सा सोलर पैनल लेना है वो हम कैसे जानेंगे तो दोस्तों अंतर की बात करें तो आपको मोनो और पोली में डिफरेंस कैसे पता चलेगा तो दोस्तों आपको इसके कलर से पता चल जाएगा जो पोली क्रिस्टल जो सोलर पैनल होते हैं वो हमेशा ब्लू कलर के या फिर डार्क ब्लू कलर के होंगे पर जो हमारे जो मोनिक क्रिस्टल जो पैनल होगा वो हमेशा ब्लैक कलर का होगा यानी फुल्ली ब्लैक कलर का होगा अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर के ही होते हैं ऐसा नहीं है दोस्तों इसको क्या अंतर बनाए रखने के लिए कि आगे लोगों को सही से पता चले इसके लिए इस पर क्या जो मोनिक क्रिस्टल जो सोलर पैनल होता है इस पर एक ब्लैक कलर का कांच चढ़ाया जाता है तो इससे क्या ये और ज्यादा ब्लैक दिखता है सेकेंड बात करते हैं क्या इसमें अंतर क्या होता है तो दोस्तों जो मोनोक्रिस्टल जो पैनल होता है वो हमारा सिंगल क्रिस्टल से बना होता है पर जो हमारा जो पॉली जो सोलर पैनल होता है मल्टी क्रिस्टल से बना होता है तो दोस्तों अब इन दोनों के अंदर दो कुछ डिफरेंस आ गया तो दोस्तों इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा ना इसके एफिशिएंसी पे कि आखिर कौन सा हमारे लिए बेस्ट है अगर इसकी प्राइस पे बात करें तो दोस्तों हमारा जो मोनो जो सोलर पैनल होता है वो हमारा कॉस्टली होता है और जो हमारा जो पोली जो होता है वो पोली इस मोनो से काफ़ी काफ़ी क्या कुछ हद तक सस्ता होता है कितना सस्ता होता है तो दोस्तों वो बता देता हूँ जैसे हमारा जो सो वाट का जो सोलर पैनल है ये सो वाट का अगर आप सोलर पैनल लाते हो एक मोनो लाते हो एक पोली लाते हो तो दोस्तों इसके जो सो वाट के जो सोलर पैनल होंगे इसके अंदर आपको पांच से आठ सौ रुपए का पता जाएगा। और अगर आप डिफरेंसोट का अगर आप प्लांट लगाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो तो आपका डिफरेंस से के बीच में आ जाएगा हमारा जो पोली होगा वो पोली अगर आप एक किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हो तो हमारा पोली जो है वो कुछ सस्ता होगा और थोड़ा सा मोनो महंगा होगा तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है ये महंगा क्यों होता है इसमें कुछ अंतर होगा तभी महंगा होगा तो दोस्तों हमको कौन सा लगाना चाहिए वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा दोस्तों आपको एक किलोवाट का लगाना है आपके घर के लिए सो तो इसके ऊपर डाल दूंगा जिससे आप, आप, आपके घर में पता कर सकते हो कि आपको कितने किलो वाट का या कितने वाट का सोलर पैनल लगाना है तो दोस्तों आप अंतर की बात करते हैं कि आखिर मोनो और पोली में अंतर क्या है एक लाइन में आंसर दो तो हमारा जो मोनो होता है वो मोनो जो होता है वो मोर एफिशिएंट होता है और हमारा जो पोली होता है वो पोली लेस एफिशिएंट होता है मोनो के कंपैरिजन में अब दोस्तों मोनो कहाँ पे लगेगा और पोली कहाँ लगेगा वो समझ लेते हैं अब जैसे आपने घर पे एक जगह लगा रखा है ये आपने मोनो लगा रखा है और यहाँ पे आपने लगा रखा है पोली ठीक है ये पोली है और ये मोनो है आपके घर पे अच्छी धूप पड़ रही है बहुत तेज़ धूप पड़ रही है पूरा सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारे सोलर पैनल पे आ रही है और हमारा जो सोलर पैनल है ये सौ वाट का है ठीक है ये भी सौ वाट का है और ये भी सौ वाट का है तो आपको पता है जो हमारे जो सौ वाट के जो सोलर पैनल होते हैं ये एक फिक्स एम्पेयर करंट निकालता है फिक्स एम्पेयर करंट निकालता, निकालता है तो हमारा जो एम्पेयर निकलेगा अभी आपको मैंने बताया कि इस पर पूरी सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है दोनों पर बिल्कुल डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही है हमारा जो मोनो जो सोलर पैनल होगा ये हमारा समथिंग पाँच एट फाइव करंट निकालेगा ठीक है फाइव पॉइंट एट फाइव निकालेगा और हमारा जो पोली होगा वो पोली हमारा फाइव पॉइंट एट जीरो या फाइव पॉइंट सेवन फाइव करंट निकालेगा तो दोस्तों ये कुछ अंतर नहीं है बिल्कुल सेम ही है पर दोस्तों अब इसमें इतना पैसों का क्यों डिफरेंस आ रहा है कोहली हमारा मोनो से इतना सस्ता है जबकि हमारा एम्पियर तो लगभग लगभग सेम ही निकल रहा है तो आखिर इतना डिफरेंस क्यों है वो डिफरेंस इसलिए दोस्तों हमारे दोस्तों एरिया का बहुत फर्क पड़ता है कि हम कहाँ रह रहे हैं हमारा जो घर है वो कौन सी लोकेशन में है अब दोस्तों लोकेशन का मतलब जैसे कोई एक लोकेशन है एक लोकेशन पर हमारे पूरे दिन भर अच्छी धूप रहती है ठीक है जैसे आप हमारे राजस्थान समझ समझलिए राजस्थान के अंदर जो रेतीला इलाका है उसके अंदर दोस्तों पूरे दिन अच्छी धूप रहती है कोई बादल नहीं रहते अब दूसरी जगह ले लीजिए दोस्तों कोई जम्मू ले लीजिए कोई भी जगह जो पहाड़ी इलाके पे तो वहाँ पे पूरे दिन भर बादल रहेंगे तो दोस्तों जहाँ पे बादल रहेंगे ना वहां पे बादल वाली जगह पे हमको जहाँ पे पूरे दिन हमारे बादल रहते हैं सही से धूप नहीं मिल पाती वहाँ पे हमारा मोनोक्रिस्टल पैनल लगाया जाता है और हमारा पोली जो होता है वो पोली आप वहाँ लगाइए जहाँ पर पूरे दिन अच्छी धूप मिल रही हो क्योंकि दोस्तों हमारा जो पोली होगा हमारा पोली अगर आप ऐसी जगह लगा देंगे जहाँ पे पूरा क्लाउडी एरिया है पूरा क्लाउडी एरिया मतलब पूरे दिन भर बादल रहते हैं अगर आप वहाँ पे पोली सोलर पैनल लगा दोगे तो वो आपकी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे गा पर अगर आप वहां पे क्लाउडी एरिया में यानी हमारे बादल हो रहे हैं सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट सोलर पैनल पे नहीं पड़ रही है अगर आप वहां पे मोनो लगाओगे तो हमारा वो अच्छे से एनर्जी देगा तो दोस्तों इसके अलावा एक और डिफरेंस की बात करें तो ये ये जो 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 हमारा हमारा मोनो क्रिस्टल होता है ये हमारा कम स्पेस 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 लेगा लेगा यानी हमारा जो है वो लेस कम क्योंकि दोस्तों ये ज्यादा जगह नहीं घेरता है जैसे सो वाट का है तो वो सो वाट का जो सोलर पैनल होगा वो थोड़ा साइज में हमारा पोले के मुकाबले थोड़ा सा छोटा होगा तो ये थोड़ी जगह कम घेरता है दूसरी चीज दोस्तों इसकी जो लाइफ होती है जो मोनो की जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी मामूली ज्यादा ज्यादा फर्क नहीं है पर मामूली सी सी लाइफ थोड़ी बेटर होती है पोली के मुकाबले में तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप पोली क्रिस्टल और मोनो क्रिस्टल सोलर पैनल में डिफरेंस समझ के होंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति अभी इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो इलेक्ट्रिकल से अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद